किसी भी शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में सफाई कर्मियों यानी वहाँ के स्वच्छता पहरियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन तब क्या हो जो सफाई कर्मी है वो धरने पर बैठ जाए? तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहर को स्वच्छ रखने वाले ही जब बैठ जाएंगे तो सफाई की जिम्मेदारी अपने सर पे कौन देगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने बैठे यहाँ पर जो सफाई पहरी है हमारे सफाई कर्मी, आप देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में वो यहाँ बैठे हुए हैं। महिलाएं भी जो है सफाई कर्मी वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आइए बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन कारणों से वो साफ सफाई का काम छोड़ के शहर की यहाँ पर बैठे हैं, फिर क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। बातचीत करेंगे, सभी पदों के नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या बैठे। मेरा नाम रमेश जंगारा है, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिलाध्यक्ष। यहाँ पे दो तीन संगठन हैं, सभी एक होकर हम सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सभी सफाई कर्मचारी 8 दिन से धरने पे हैं। इनकी जो मांगे हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है प्राधिकरण द्वारा। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर की व्यवस्था बिगड़े, इसलिए हमने आधे कर्मचारी यहाँ बुला रखे हैं, आधे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अगर प्राधिकरण हमारी मांगों पर गौर नहीं करेगा तो हम भी अपना रवैया अपना लेंगे, पूरे शहर को बंद कर देंगे, सफाई व्यवस्था बंद कर देंगे। हमारी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं, प्राधिकरण में अंदर जनवरी से सैलरी बढ़ी है, 20,604 रुपये हुए हैं जो आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले थे और हम लोगों को वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम भी आउटसोर्सिंग में ही, हमें भी वो हक मिलना चाहिए। एक पेट दो हाँड़ी बना रखी इन्होंने। दूसरी हमारी मांग ये है कि यहाँ पर किसी की नेचुरल डेथ हो जाती थी, ये लोग 5 लाख रुपए देते थे, उसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया था, अब इन्होंने वो 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल कर दिए। हम चाहते हैं कि हमारे वो 10 लाख रुपए हर परिस्थिति में मिलें, क्योंकि अगर किसी की डेथ वैसे हो जाती है और वो कहीं पर कार्य भी नहीं करता है तो मीडिया के जरिए अगर सूचना जाती है तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कम से कम 1-1 करोड़ रुपया, 1 कोटी और सरकारी नौकरी तक उन लोगों को देते हैं। ये कर्मचारी सफाई पेशे से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, इन लोगों की किसी प्रकार की कोई जो भी खबर होती है या जो भी मांग होती है उसको पूरा नहीं किया जाता है। हमारे काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 3-3, 4-4, 6-6 महीने से सैलरी रुकी हुई है और यहाँ पर जो हमारा PF है उसमें भी धांधलेबाजी होती है। तो मैडम जी, हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ये जो पकड़ है आपकी, हमारी सूचना को ऊपर तक पहुँचाया जाए और इस प्राधिकरण में जितने भी जियो शासन प्रशासन से आते हैं उनको यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा ही यहाँ पे निमंत्रण बैठाए जाते हैं। और जितने भी हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत हैं या जितने भी प्राधिकरण हैं, सब में हर जगह परमानेंट कर्मचारी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक यह प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसा है कि जिसमें एक भी सफाई कर्मी स्थायी या परमानेंट नहीं है। हमारी ये मांग है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग बनाया जाए और ये जो सफाई कर्मी हैं जिन्हें यहाँ पर 33 वर्ष कार्य करते हो चुके हैं, इन साथियों को स्थायी करने की प्रक्रिया बनाई जाए। जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य विभाग बनाता है, देखिए आप शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, आप गंदगी में भी जाते हैं, सीवीज में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती होगी, इन्फेक्शन हो जाता है कई बार जी। तो क्या आपको कोई हेल्थ कार्ड यहाँ से इशू कराया गया है कि आपका इलाज सरकारी अस्पताल में या और कई जगह सस्ते दामों पर होता है? मैम जी, जो सुरक्षा किट होती है वो सुरक्षा किट भी हमारे कर्मचारियों को नहीं दी गई है और हेल्थ के नाम पर हमने ESI से अलग इनसे बार बार प्रार्थना की है कि हमें 2 पर्सनल हॉस्पिटल दे दिए जाएं या हमारे सभी सफाई सैनिक भाइयों के हेल्थ कार्ड बना दिए जाएं। उसमें अगर ज़्यादा ही लोड प्राधिकरण पर पड़ रहा है तो हम भी कुछ ना कुछ उसमें भागीदारी निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना और गरीबों के लिए बहुत सी संस्थाएं खोली हुई हैं, लेकिन सब कर्मचारियों को दिखावा है, हमारे कर्मचारियों को उसका किसी का भी लाभ नहीं मिलता। तो आप कहना चाहते हैं सरकार आपको सुविधाएं दे रही है लेकिन जो यहाँ अंदर अधिकारी बैठे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे जिस तरीका से ये अंदर पेमेंट बढ़ी हुई है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो अपना जियो लागू करा है, अगर ये अनदेखा नहीं करते, पक्षपात नहीं करते तो इन सफाई सैनिक भाइयों के लिए भी 20,604 रुपये होने चाहिए थे, जबकि अंदर भी लोग सफाई का भी अगर कार्य कर रहे हैं वो भी ठेकेदारी प्रथा में हैं, उनको भी 20,600 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जितने भी सफाई सैनिक भाई हैं इनको 11,000 रुपये के करीब दिया जा रहा है। अच्छा, अभी आपने अपनी
समस्याओं के बारे में बताया जो मांगे हैं आप, लेकिन क्या प्राधिकरण के अधिकारियों को ने आश्वासन दिया आपकी समस्याओं का तब तक पूरा करने के लिए कहा है कि आप जो शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है अगर सफाई नहीं होगी तो बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, बीमारियाँ भी फैलेंगी, तो क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम अपने शहर की व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब साथी भी शहर में रहते हैं, और अगर सफाई का कार्य एक ऐसा कार्य है कि अगर सफाई नहीं होगी शहर में तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए हमने पूर्ण तरीक़ा से कार्य बंद नहीं किया है। यहाँ पे आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय जी ने कल ही हमसे मीटिंग की है, और उन्होंने जितने भी हमारे पुराने सफाई सैनिक जो 250 कर्मी निकाल रखे थे उन्हें रखने के लिए बोल दिया है। बाकी जो हमारी सैलरी का विषय है और 10 लाख का जो इंश्योरेंस वाला विषय है उसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था। हमने ये कहा है, हमारे सफाई सैनिक भाइयों की सभी की मांग ये है कि यहाँ कई सालों से हम बार बार आते हैं और आश्वासन लेके चले जाते हैं, अगर उन्हें 10 दिन का समय चाहिए तो प्राधिकरण के लेटर हेड पे लिखित में हमसे 10 दिन का समय ले लिया जाए। हम 10 दिन का समय देंगे लेकिन प्राधिकरण के लेटर हेड पे देंगे और उस पर सभी अधिकारियों के साइन होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमने बातचीत की है, इनका कहना है कि अगर प्राधिकरण को 10 दिन का समय चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन लिखित में जो इनकी मांगे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सफाई कर्मी होते हैं वो शहर को स्वच्छ बनाने और साफ सुथरा बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर आधे शहर के सफाई पहले मौजूद है, अगर यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती तो इन्होंने कहा सभी आके बैठे हैं, तो ऐसे में जब शहर गंदगी की ओर चला जाएगा, सफाई नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से चाहेंगे कि इनकी जो समस्याएँ हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको संज्ञान मिले और हर संभव उचित उनका निवारण किया जाए। मैं मेघा राजपूत, आप देख सकते हैं।